यूटिलिटी स्टोर्स को सार्फ के लिए फायदेमंद बनाने का मिशन। सैकड़ों अशिया की कीमतों में कमी कर दी गई। तमाम ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल 195 रुपए तक सस्ते। मिल्क पाउडर और दूध की कीमतों में भी 117 रुपए तक की कमी। रू अफजा और जामेश्री भी 40 रुपए तक सस्ते कर दिए गए। चटपटे मसाला जात के पैकेट्स की कीमतों में भी 20 रुपए तक कमी। खीर मिक्स 12 रुपए, टमाटर केचप 50 रुपए तक सस्ता कर दिया गया। गर्म मसाला की कीमतों में 25 रुपए, सोया सॉस का पैकेट 24 रुपए सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। दहशतगर्दी के फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए आखिरी दम तक कोशिशें जारी रखेंगे। कौम शहदा और इनके खानदानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत से नौजवानों ने जानों का नजराना पेश किया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के रिहाइश का आमद, कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताजियत की। सदर ममलकत की कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के लिए बुलंदी दर्जात, वर्षा के लिए सब्र व जमील की दुआ। 17 दिन बाकी हैं। इस पूरे अरसे में सिर्फ एक रिलीफ का काम किया गया है कि सूबा पंजाब में 2 महीने के लिए 14 रुपए फी यूनिट बिजली कम की गई है। हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है और ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है कि आप महज 2 महीने के लिए ये इकदाम करें, वक्ती रिलीफ लोगों को फराहम करें, टैरिफ में कमी की जाए, बिजली की लागत के मुताबिक बिजली का बिल होना चाहिए। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी भरपूर एहतजाज करेगी। मुहादे पर अमल दरामद ना हुआ तो पुरमन सियासी मुजामत को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए हर सियासी जमात को अपना हक अदा करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डंडे के इस्तेमाल से मसाइल हल नहीं होते। हमारे माहिदों की पासदारी में 17 दिन रह गए हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करना शर्मनाक फैल है। लाखों की तादाद में अदालत में मुकदमात का फैसला ना होना बाइस से तशवीश है। अदालतों में जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए। कई कई साल तक मुकदमात के फैसले नहीं होते। मेरी कोशिश है हर चीज़ मेरिट पर हो। पंजाब असम्बली को अहसन तरीके से चलाया जा रहा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का अजलास। अराकीन असम्बली का अस्पतालों की हालत इजहार और मरीजों को अद्वियात अदम दस्तियाबी पर इजहार तशवीश। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने हालात को सब अच्छा करार दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत को खराब हालत इजहार का नोटिस लेने का कह दिया। महकमे सेहत से कानूनी जब्तों के बगैर मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का मामला असम्बली में जेर बहस। स्पीकर ने वजीर सेहत से कल रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली सार्फिन को जल्द बिल व्हाट्सएप पर मिलेंगे। लेस्को में पेपरलेस बिलिंग शुरू करने की तजवीज़ पर काम शुरू। बिजली सार्फिन के व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर लेने के अहकाम जारी। तमाम ऑपरेशंस अफसरान को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले में माह सितंबर का बिलिंग साइकिल मुकम्मल होने से कबल 100% मोबाइल नंबर हासिल करने की हिदायत। जराए के मुताबिक बिलों की प्रिंटिंग पर फी बिल लेस्को का 15 रुपये खर्चा आता है। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का सिलसिला जारी है। अदरक 700, लहसुन 600, लीमू 760, मेथी 350 रुपये किलो में फरोख्त, आलू 120, टमाटर 130, प्याज 180, टींडे 260 और बैंगन 100 रुपये के किलो हो गए, जबकि केला 200 रुपये दर्जन में दस्तियाब है। सेब 500, आलू बुखारा 420, आम 380, आड़ू 350, पपीता 300 रुपये किलो में दस्तियाब। 2 दिन की कमी के बाद ब्रायलर की कीमत में फिर इजाफा। मुर्गी का गोश्त 10 रुपये बढ़कर 562 रुपये का किलो हो गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 7 रुपये इजाफा। कीमत 388 रुपये किलो मुकर्रर। 1 रुपये इजाफे से फी दर्जन अंडों की कीमत 302 रुपये हो गई।
जनरल अस्पताल में मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। 25 साल गुलशहर के नमूने टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवाए गए हैं। रिपोर्ट में मंकी पॉक्स मनफी आया। मुश्तबा मरीजा का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। एमएस डॉक्टर फरियाद हुसैन कहते हैं मंकी पॉक्स आइसोलेशन वार्ड में मरीजा को तमाम तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई पर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 48 मुकदमा दर्ज। पंजाब पुलिस की जानिब से साबिक वजीर आजम पर 18 मुकदमात का इंदराज। एंटी करप्शन पंजाब में 2 इंक्वायरियां भी जेर-ए-अल्तवा। बानी पीटीआई पर एफआईए में 1 इंक्वायरी चल रही। नैब में भी साबिक वजीर आजम के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना समेत 3 इंक्वायरियां जेर-ए-समात हैं। अजमा बुखारी के खिलाफ नाजिबा तस्वीर और वीडियो शेयर करने के केस के मुलजिम शफीक की दरखास्त जमानत खारिज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने तहरीली फैसला जारी कर दिया। इस तरह के संगीन साइबर क्राइम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो मुलजिम के खिलाफ काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। मुलजिम की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर किया जाने वाला मवाद काबिले जमानत नहीं है। तमाम सबूतों की रोशनी में मुलजिम की दरखास्त जमानत खारिज की जाती है। अदालत के रिमार्क्स। हाईकोर्ट में अजमा बुखारी मुबैना वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने एफआईए को तफ्तीश के लिए मजीद मोहलत दे दी। लोगों को मजबूर ना करें कि वो अपने फैसले खुद करने शुरू कर दें। क्या तफ्तीश ऐसे होती है कि तफ्तीशी वहां जाकर चाय पीकर आ जाए? मोहतात रहें, अदालत को सब पता होता है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। साफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा और नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहों में इजाफा ना करने का फैसला। मजीद स्कूलों में डबल शिफ्ट भी नहीं होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों का मंसूबा महदूद कर दिया। आफ्टरनून स्कूल मंसूबे को एक साल की तौसी भी दे दी गई। रवां माली साल मंसूबे पर 8.5 अरब रुपये खर्च होंगे। सूबे भर में 7,000 से ज्यादा स्कूलों में इंसाफ आफ्टरनून प्रोजेक्ट जारी हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन का 6 कैटेगरीज के मुलाजमीन की पोस्टें अपग्रेड करने का फैसला। कारी, लैब इंचार्ज, ऑफिस क्लर्क, कैशियर, लैब असिस्टेंट की पोस्टें अपग्रेड होंगी। पोस्टों की अपग्रेडेशन की मंजूरी काबीना से ली जाएगी। अरसा दराज से इन कैडर्स की पोस्टों की अपग्रेडेशन नहीं हुई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पोस्टों से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। नई हुकूमत की खुशनूदी या मुफाद आमा का ख्याल तरक्याती इदारों के शहबाज दौर में मुकम्मल होने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स पर तवज्जो मरकूज। तवज्जो ना देने से मेट्रो बस, बेजिंग अंडरपास, मुस्लिम टाउन फ्लाईओवर सबूहाली का शिकार है। एलजीएनए के नाल बेजिंग अंडरपास के हालत इजाद को बेहतर बनाने का प्लान बना लिया। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर मेट्रो बस के बरकी जीने और स्टेशन को बेहतर बनाया जाएगा। बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए वाटर टैंक्स की तामीर का मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने बजट 2024-25 के मंजूर शुदा मंसूबों की मुकम्मल मंजूरी ना दी। पंजाब हुकूमत ने मशीनरी की खरीदारी और सेवरेज लाइनों की मंजूरी दी। शहर में 10 वाटर टैंक्स की तामीर के PC1 महकमे हाउसिंग को अरसाल कर दिए। वजीर अला पंजाब की दी गई डेडलाइन को महकमे हाउसिंग पामाल करने लगा। महकमे हाउसिंग पंजाब ने रावी रुजा वाटर टैंक की एडमिन अप्रूवल ना दी। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। पासपीडा इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार इन मेला मुकाबला कामयाब नामुंतखब अहदेदारान। पासपीडा में वाइस चेयरमैन सेंट्रल अहमद परवेज सादिक, चेयरमैन पंजाब वकार भट्ट शामिल, सीनियर वाइस चेयरमैन अजहर फरीद मुगल, वाइस चेयरमैन फैज रसूल अबान, फाइनेंस सेक्रेटरी उसामा बिन असलम भी शामिल। पैटर्न चीफ पासपीडा आबिद हमीद खान ने नामुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी। और PCB ने चैंपियंस वन डे कप के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अली नकवी प्लेइंग कंट्रोल टीम की क़यादत करेंगे। इंटरनेशनल पैनल के अंपायर आसिफ याकूब 12 सितंबर को वॉल्वर्स और पैंथर्स के दरमियान होने वाले इफ्तिताही मैच के अंपायरिंग करेंगे।